आप लोग आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? सर हम लोग जीवन भैया को सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम हम लोग करेंगे सर। अच्छा। जी सर, और सीमान के विकास के लिए हम लोग यहाँ पर जीवन भैया को वोट देंगे और आगे बढ़ाएंगे, सीमान का विकास करवाएंगे, जो विकास नहीं हुआ उस विकास को हम लोग करवाएंगे यहाँ पर सर। जी सर, उम्मीद है इन्हीं से? पूरा उम्मीद है सर। भी कुछ उम्मीदवार है? बहुत उम्मीदवार सर, हवा हवाई है। हाँ सब आएंगे जाएंगे सर, कोई पकड़ मिनका नहीं है सर। नहीं सर, जीवन भैया ऐसा कोई यहाँ सदस्य सीमान में नहीं है, कोई प्रत्याशी भी नहीं है सर। कोई प्रत्याशी नहीं सर। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। बताइए कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं गुठनी प्रखंड भगवानपुर गांव से। अच्छा अच्छा, क्या क्या कहेंगे यहाँ पे, किस लिए आए हैं? आए हैं गरीबों का मसीहा है। कौन? जीवन यादव जी। अच्छा, चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका सपोर्ट करना हमारा फर्ज है। सपोर्ट करना है? हाँ। लेकिन और भी कई उम्मीदवार हैं और वो लोग भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। कोई काम नहीं किया सिवान में, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं, कोई नहीं। चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद झाकनी पर नहीं जाएंगे, गांव में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक ऐसा नेता है जो गरीबों का मसीहा, दुख हो सुख हो, आग लगी हो, चाहे किसी के ब्याह हो, वहाँ पर जाते हैं, अपना टाइम देते हैं, फ्री में इलाज भी कराते हैं। ऐसा नेता हम लोग को चाहिए जिला का। ऐसा नेता चाहिए? जी जी, ऐसा हम लोग नेता चाहिए। अवध बिहारी चौधरी भी चुनाव लड़ रहे हैं? वो कोई कहे न, कौनों भी चुनाव लड़ रहे हैं, सिवान से कोई काम नहीं आया। बताइए कुछ कहना चाहते हैं? जी यही कहना चाहते हैं कि जो कि सिवान यहाँ पे सभी दल में दलदल है। जीवन यादव जी यहाँ पे निर्दल हैं, जो जनता की चाह वही जीवन यादव की राह, उन्होंने बहुत पहले बताया है। तो यहाँ से तो सिवान से जीवन यादव जी निर्दलीय जीत के ही जाएंगे जी। तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, देख रहे हैं जनता चिल्ला रही है जीवन यादव को, एकदम जनता बुला रही है कि आइए एक एक। जी बिल्कुल चिल्ला रही है। क्या कहेंगे जी? जीवन भैया सबसे बेटर प्रत्याशी हैं, ठीक है, युवा हैं, सबके दिलों में बसते हैं और गरीबों का मसीहा हैं जी, और इनके आगे कोई प्रत्याशी नहीं है। जो प्रत्याशी तो और भी सिवान से है, लेकिन इनके आगे कोई टिकेगा नहीं। नहीं टिकेगा जी? नहीं। क्या इनमें खूबी है कि और कोई नहीं टिकेगा? खूबी है कि युवा हैं और हर किसी के, गरीब हो अमीर हो, सबके दरवाजे पे जो भी बुलाता है जाते हैं, हर किसी का दुख दर्द समझते हैं, सबको अपना भाई मानते हैं, इसीलिए सबसे बेटर है। चलिए, तो लोगों से बातचीत हो रही है, कुछ और लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? जी यहाँ क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सिवान से हैं, ठीक है, और सिवान में रघुनाथपुर से, सिवान लोकसभा क्षेत्र। हम बस एक बात कहेंगे कि जमाने भर को खींचता हो अपनी तरफ, है कोई बात ऐसी हमारे जीवन में, अगर देखनी है सिवान में विकास की लहर तो मौका देकर देखना अपनी जिंदगी में। जीवन यादव कोई पहचान की मोहताज नहीं है, जीवन यादव ने अपना काम किया है और काम के बदौलत जनता जनार्दन के बीच में आ रहे हैं और सभी युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, माताओं के साथ, बहनों बेटियों के साथ न्याय की बात करने आ रहे हैं और सिवान में एक क्या कहा जाएगा, एक लहर लेके आ रहे हैं, एक व्यवस्था लेके आ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और हम युवाओं के लिए इससे जबरदस्त कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। और बाकी जो भी कैंडिडेट है, मैं उनकी बातें तो नहीं करना चाहूँ, सिर्फ हम अपनी बातें करने आए हैं यहाँ पे, हम युवा जितने भी हैं सिवान जिला के, सभी से ये दरख्वास्त है कि जीवन भैया को एक बार मौका दे और हर किसी में एक जीवन छिपा हुआ है और उस जीवन को सामने लाना है और हर आदमी, एक एक युवा यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के 14 जितने भी प्रखंड हैं, जिन 14 प्रखंड में जितने भी युवा हैं सभी चुनाव लड़। आपके सामने यहाँ पे आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं और हिना साहब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। अभी तो फिलहाल आरजेडी से कोई कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है। अवध बिहारी चौधरी अपने आप को बता रहे हैं? बताने से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, यहाँ सिंबल की कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं सभी लोग, सभी लोग जानते हैं कि संभावनाओं के खेल राजनीति में ऐसा कुछ होता भी नहीं है, सच बात जो है।
तो आरजेडी ने अपने पत्ते खोले नहीं है और पत्तों की कब तक हम इंतजार में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए और बिहारी पे पत्ता खोल देती है तो इंतजार तो आपका खत्म हो जाएगा। डजेंट मैटर, बहुत ज्यादा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे लिए है कि वो युवा काम आए जो हमारे हमारे नाम हुआ आपका जी। मेरा नाम अरविंद है, अरविंद, अरविंद। पूरा नाम बताइए। अरविंद कुमार। अरविंद कुमार कहाँ से आप? जी मैं रघुनाथपुर से। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। ये बताइए कि यादव का नेता युवा की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव है कि नहीं है? जी हम यहाँ सिवान देख रहे हैं ना, सिवान है। हमें अपने पहले अपना घर देख रहे हैं, ठीक है। युवा के सिवान के अगर युवा की अगर बात कर ले यादव है, युवा की आप बात करते हैं, तेजस्वी यादव युवा की बात करते हैं। तेजस्वी यादव भी युवा है, जीवन यादव भी युवा है, तो एक बार तेजस्वी यादव को मौका इनको देना चाहिए। जमाना आपके हिसाब से ये भारी पड़ेंगे? जी बिल्कुल भारी पड़ेगा। एक तरह से जानी है कि जब कोई भी मैथ का हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं उसमें फार्मूला का यूज करते हैं और गलत फार्मूला लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगी, समझते हैं ना। इसीलिए गलत जगह वोट देंगे तो हम लोग बर्बाद होंगे। सीधी सी बात है कि जो जवानी जवानी क्या कहते हैं जवान जिधर जवानी का जमाना चलता है। जीवन जीवन यादव आएंगे तो विकास होगा, क्योंकि वो पहले से कर रहे हैं जैसे काम, वैसे कोई नेता अभी किया नहीं है ना करेगा, जो कर रहे हैं। एक बात, बिना पावर में रहकर बिना कुर्सी पर रहकर वो जो काम कर रहे हैं, वो जिस दिन कुर्सी पर बैठ जाएंगे उससे दुगुना रफ्तार में वो काम करेंगे। तो हर एक युवा का सोच है कि यही जीवन यादव को एक बार मौका मिला मिलना चाहिए, उसके बाद एमपी बने। चलिए, बिल्कुल युवाओं से बातचीत हो रही है और इनका भी कहना है कि हर हाल में जीवन यादव सिवान के युवाओं के नेता हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में सिवान की जो जनता है क्या कुछ फैसला लेती है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा।